Good morning students, welcome to our channel Be Smart Education Point. So in this class we will start question number 2 of exercise 5.3 of the chapter AP. So what is the question here? Find the sums given below. So again is question mein hume kya find karna hai? Sum. So for the previous question, kindly check the videos, links are given in the description box. So what is the question here? Basically one more thing here. जब कोई सीक्वेंस चल रही है और उसके बीच में प्लस का साइन आ रहा है, आप कहोगे कि यहाँ पे तो ये एपी नहीं है, यहाँ पे कॉमास नहीं है. बट अगर एक सीक्वेंस प्लस के साइन के साथ आ रही है तो हम उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? सीरीज. और ये सीरीज भी क्या होती हैं? एपी. इन द सेम वे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म एंड सो ऑन, ये हमारी लास्ट टर्म है. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें गिवन क्या क्या है? ए हमारे पास 7 आ रहा है, डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. हम इसको सॉल्व करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को. 2 times 20 + 1, 21/2 - 7. बाय टेकिंग एलसीएम वी विल गेट 7/2. तो हमारा डी कितना आया? 7/2. और इस एपी में हमें क्या गिवन है? लास्ट टर्म विच इज 84. सो जब एक फॉर्मूला देखते हो माइंड में एस एन का, तो उस एस एन के फॉर्मूला के रिगार्डिंग हमें क्या क्या चाहिए? अगर ए एन वाला फॉर्मूला भी हम लगाते हैं, इट इज एन अपॉन 2 × a + l. सो क्या हमारे पास एन अवेलेबल है? नो, वी हैव ए डी और ए एन. ठीक है, एन हमारे पास नहीं है. सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हमें एन फाइंड आउट करना होगा. और वो एन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग द फॉर्मूला ए एन. ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 × d. द सेम फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में यूज किया था. ठीक है, हैविंग 4 टर्म्स ए एन, ए एन और डी. इन 4 टर्म्स में से हमें 3 ऑलरेडी गिवन है, तो क्या मैं अपनी फोर्थ वाली फाइंड आउट कर सकती हूँ? यस. और ये मैं यहाँ पे क्यों अप्लाई कर रही हूँ? बिकॉज मुझे सम फाइंड करना है और मेरे सम के फॉर्मूला में मुझे एन रिक्वायर्ड है और एन मेरे पास अवेलेबल नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला टू फाइंड एन. लेट्स पुट द वैल्यू. एन आई डोंट नो एंड डी इज 7/2. सो हियर पॉजिटिव 7 ऑन दिस साइड, इट इज नेगेटिव 7. ओके, तो जब हम माइनस करेंगे वी विल गेट 77. नाउ 7/2 मल्टीप्लाई हो रहा है एन माइनस 1 के साथ. 2 इज इन द डिविजन, सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इस साइड आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. एंड 7 हियर इज इन द मल्टीप्लीकेशन और इन दिस साइड आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये क्या हो जाएगा? डिवाइड. इस साइड हमारे पास एन माइनस 1 बच रहा है. आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 11 × 2 = 22. तो ये n की वैल्यू नहीं है अभी भी. n के साथ माइनस 1 चल रहा, जो इस साइड आके क्या हो जाएगा? प्लस 1. और हमारे पास n की क्या वैल्यू आई? 23. क्लियर? सो क्या ये आंसर है? नो, बिकॉज हमें तो फाइंड करना था सम. और सम के लिए फॉर्मूला क्या लगाया हमने? एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 × a + l वाला. अब इसमें हम ये वैल्यूज पुट करेंगे. नाउ एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 a + l. अब हमारे पास n अवेलेबल है 23/2 और a कितना था हमारे पास? 7. l कितना आया? 23/2. सो हेयर 7 + 23, सॉरी हेयर वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ l. l इज 84 हेयर. So after adding 7 + 84, that is equals to 91. So you can see कुछ भी cancel नहीं हो रहा. In numerator and denominator nothing is cancelled. So हम क्या करेंगे? Numerator को numerator से multiply करेंगे. It is 2093. Denominator as it is 2. Students आप यहाँ तक भी answer छोड़ सकते हो. ठीक है, या फिर आप इसको mixed fraction में solve करके वो भी answer दे सकते हो. 1046 × 1/2. Both answers are correct. And this is our sum of
n terms means 23 terms, 1046 into 1 by 2. So I hope this question is clear to all. So this is our second part, and the AP is 34, 32, 30 and so on, and the last term is 10. You can see ye decreasing order mein chal rahi hai. Okay? So under solution, we have to find A, D aur humare paas given hai last term. What is A? 34. What is D? Second term minus first term, it is negative 2. और लास्ट टर्म क्या गिवन है हमारे पास 10. सो हम क्या वैल्यूज पुट करेंगे, हमें फाइंड सम करना है. बट अगेन सम के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगा के n फाइंड आउट करेंगे. पुट द वैल्यूज 10, 34 एंड वी डोंट नो एंड d इज माइनस 2. सो फर्स्टली दिस 34 ऑन दिस साइड, minus 34, minus 2. So here, ये minus जो है वो multiply में है. So you can put bracket here. आप confusion नहीं होनी चाहिए कि ये minus 2 साथ में चल रहा है. Minus 24, this one. अब minus 2 जो है वो multiply हो रहा है n minus 1 के साथ. So this side आके वो क्या हो जाएगा, divide. माइनस एंड माइनस कैंसिल, 2 एंड 24 कैंसिल, और हमारे पास क्या बचा 12. एन की वैल्यू कितनी आई, दिस माइनस 1 ऑन दिस साइड प्लस 1, 13. तो एन हमारे पास कितना आ गया 13. बट दिस इज नॉट द आंसर फॉर द क्वेश्चन, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम एस एन विच इज एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल. अब बेशक यहाँ पे a प्लस ए एन लिख सकते हो या a प्लस एल लिख सकते हो, बोथ आर सेम. नाउ व्हाट इज n, 13 बाय 2. a कितना चल रहा है हमारे पास 34, और l कितना चल रहा है लास्ट टर्म 10. 13 बाय 2, 34 प्लस 10 इज 44. नाउ यू कैन सी 44 एंड 2 वो कैंसिल हो रहे हैं आपस में, और हमारे पास क्या बचा 13 इंटू 22, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 286. और ये किसकी वैल्यू है, एस 13 की. हमें सम फाइंड करना था इस ए पी का, एंड सम इज 286. आंसर क्लियर टू ऑल. सो दिस इज द थर्ड पार्ट. दिस इज माइनस 5 plus of minus 8 plus of minus 11 plus and so on minus 230. So same as it is, this is our very first term, second term, third term, and this is the last term. So mention here the solution. What is our first term here, minus 5, and common difference second term minus first term. Negative mein confuse nahi hona humne, ek minus hamare criteria mein hai aur ek minus hamari term ke saath hai. माइनस एट, दिस माइनस माइनस प्लस 5. तो जब हम सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 8 माइनस 5 इज 3, साइन इज ऑफ नेगेटिव टर्म. ओके, नेक्स्ट 230 इज द लास्ट टर्म, माइनस 230. सो हियर, ओके, सो अगेन वी हैव टू फाइंड एन फर्स्ट because n is not given. So for that, an is equals to a plus n minus 1 into d. Values put kar rahe hain. You can take an also. Minus 230, a is minus 5 plus n hame nahi pata, aur d humare paas aa raha hai minus 3. So this minus 5, is side ke ye kya ho jayega? Plus 5. ओके, ये नेगेटिव टर्म आप ब्रैकेट में लिख सकते हो. प्लस माइनस माइनस, 230 में से अगर हम 5 रिमूव करेंगे, 225, साइन इज नेगेटिव. सो हियर माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, वो इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. माइनस एंड माइनस कैंसिल, और 3 से जब हम डिवाइड करेंगे 225 को, वी आर लेफ्ट विद
75, पॉजिटिव 75. नाउ अगेन n के साथ माइनस वन है, इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस वन, और हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी 76. बट दिस इज नॉट द आंसर, हमें फाइंड क्या करना था, सम ऑफ दिस ए पी. तो सम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल. एन कितना है हमारे पास 76 अपॉन 2, ए हमारे पास था माइनस 5 और एल हमारे पास था माइनस 230. ओके, सो 76 को 2 से कैंसिल करेंगे, 38 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 230, 38 मल्टीप्लाई माइनस 235, और आफ्टर मल्टीप्लाइंग आंसर क्या आएगा माइनस 8930. एंड दिस इज द आंसर फॉर सम ऑफ 76 टर्म्स. सो आई होप दिस क्वेश्चन एंड ऑल पार्ट्स आर क्लियर टू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड शेयर, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.